भिवानी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी ने जाट धर्मशाला में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश हो या प्रदेश, 35 से 40 फीसदी वोट पाने वाली पार्टी राज करती है, जबकि किसान व मजदूरों को देश भर में 65 फीसदी वोट है, जिनके संगठनों को अराजनैतिक मान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों व मजदूरों की मांगों को लेकर आगामी आंदोलन का फैसला लेने के लिए कुरुक्षेत्र के पिपली में 3 फरवरी को बड़ी रैली की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन जेल भरो, रास्ता रोको या आमरण अनशन के रूप में हो सकता है। आज हम भिवानी में इसलिए आए हैं कि 3 तारीख को, 3 फरवरी को कुरुक्षेत्र के पिपली में एक बड़ी रैली रखी गई है और उसमें 2 तरह के फैसले इस बार हमने लेने हैं। जो किसान यूनियन की मीटिंग में फैसला हुआ, वो एक फैसला तो ये हुआ है कि अब की बार भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक नहीं रहेगी, क्योंकि 35 से 40% वोट जिसको डलते हैं उसका राज आता है और किसानों और मजदूरों की 65% वोट है, और ये अराजनैतिक कह के उसके नाम पे जो है राजनीति से किनारे हो जाते हैं और राजनीति इनका शोषण कर रही है। गुरनाम सिंह चढ़नी ने बताया कि उनकी यूनियन ने हर पार्टी को किसान व मजदूरों से संबंधित 6 मांगों का मांग पत्र भेजा है, जिसमें किसान व मजदूर के कर्ज माफ करना, फसलों के साथ दूध, सब्जी व फलों का MSP तय करना, MSP से कम पर खरीद कानूनी जुर्म करार देना, बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण देना आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि जो पार्टी ज्यादा से ज्यादा मांग पूरी करने पर तथा हिस्सेदारी देगी, उसे समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। अब की बार 6 मांगों की चिट्ठी हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को लिखी है। जो राजनीतिक पार्टी उन मांगों पे किसानों की बात को ज्यादा समर्थन करेगी या उनका अपना राज आने पर उन मांगों को लागू करेगी, उसका साथ देने के बारे विचार किया जाएगा। साथ ही गुरनाम चढ़नी ने बताया कि सरकार 2 प्रकार से अपनी नीतियां बनाती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके और आंदोलन को रोका जा सके। उन्होंने खुद माना कि हमारी रैली व आंदोलन में अधिक संख्या में होगी, तभी हमारी मांग मानी जाएगी। जो सरकारें हैं वो 2 तरह से नीतियां बनाती हैं। एक नीति तब बनाती, वो वोट को आगे रख के बनाती हैं राजनीतिक पार्टियां, कि हम क्या नीति बनाएं, क्या बात माने जिससे वोट ज्यादा मिले, और दूसरा हम आंदोलन कैसा कर पाते हैं उससे बात मानेंगे। अगर इतना बड़ा आंदोलन हम कर पाए जिससे पूरे हरियाणा का किसान और पूरे देश का किसान जुड़ जाए, तो हमारी बात मानी जा सकती है। और अगर हमारा आंदोलन कमज़ोर रहता है, अगर हमारी वोट एक जगह नहीं जुड़ती है, तो कोई पार्टी हमारी बात मानने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में भाजपा कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकल गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले मात्र 1 साल में उद्योगपतियों के 7 लाख करोड़ रुपए के टैक्स फ्री कर दिए हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये जो है वो कारपोरेट के पक्ष की सरकार है, कारपोरेट के लिए नीतियाँ बनाती है। पिछले एक साल के अंदर 7 लाख करोड़ के टैक्स छोड़े गए हैं कारपोरेट को, जिससे अमीरों की आमदन इस स्तर पे बढ़ी है। अडानी की आमदन 1 साल में 62% बढ़ी है, अंबानी की आमदन 1 साल में 67% बढ़ी है, बाबा रामदेव की इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ी है। और दूसरी तरफ हमारे देश में गरीबों की हालत ये है कि 20 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हो गए हैं जिनका पूरे दिन में गुजारा नहीं होता, जिनका पूरे दिन में पेट नहीं भरता। तो जो देश की नीतियाँ हैं, उन देश की नीतियों को बदलने की ज़रूरत है, और वो नीतियां जो है ये बीजेपी की तो कांग्रेस से भी ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता है कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस की भी नीतियां कॉरपोरेट के पक्ष में थी, लेकिन बीजेपी की उससे भी कहीं ज़्यादा, उससे भी 4 कदम आगे निकल गई है। लोगों ने भरोसा किया था कि कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा राज बीजेपी का आएगा, लेकिन वो उल्टा और बुरा हो गया। साल दर साल आर्थिक तौर से पिछड़ता किसान व मजदूर आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अपने आप को किसान मजदूर हितैषी कहने वाली पार्टियां कितनी मांगे मानती हैं। भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।